हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जोश के साथ। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। सभी को जय श्री राम और सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो भैया जी, नए साल आ चुकी है तो नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो हम भी आज एक वीडियो के साथ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, अपने विलेजर्स को हम फूड गिफ्ट करेंगे, उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, उनको बेड लाएंगे और उसके विलेज में थोड़ी सी रोशनी सी करेंगे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वीट है सबको तोड़ लेते हैं। सारी वीट तोड़ ली और मैंने सीड्स भी लगा दिए, मैंने कि बाद में जरूरत पड़े तो यहाँ से मेरे को काफ़ी सारी वीट मिल गई होगी। अब ये मेरी जो कैरेट हैं अभी ये पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई हैं, देखो कितनी सारी वीट्स हो गई। अब मैंने सारे अपने चेस्ट में रख लिए। अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अब हम इन सब की ब्रीड बना लेते हैं क्योंकि हम इन्हें विलेजर्स की ब्रीडिंग करवाएंगे इनसे, और जो अपना फूड होगा उससे हम ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि उन्हें मुझे लगता है वो ट्रेडिंग से खुश होते हैं इसलिए, और बेड से भी खुश होंगे और बेबीज होंगे, काफ़ी सारे विलेजर्स हो जाएंगे। तो हम कैरेट ले लेते हैं यहाँ से काफ़ी सारी, एक आध स्टैक्स रहने देंगे अभी। अभी तो ये होंगे ग्रो, के बाद हम आगे कभी कुछ काम करेंगे। अब हम अपना इस वाले फार्म की तरफ चलते हैं और देखते हैं कितना फूड हमारे चेस्ट में स्टोर है। तो भाई बहुत कम फूड है यार, एक तो मैं हराते नहीं हूँ इस वजह से, और ये जो मेरा वीट फार्म, जो वीट जहाँ उग रही है और कैरेट वाले फार्म वर्क नहीं कर रहे मेरे। देखे ऊपर जा कर चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो एक घंटे के बाद हमारे पास इतना ही फूड हुआ, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़े बहुत एक आध स्टैक ही बढ़े हैं। तो कोई नहीं, हमारे पास काफ़ी सारा फूड है। अब हम इन कैरेट्स को चेक करते हैं, आप तोड़ लेते हैं यार, ये भी हुई नहीं रही यार, तोड़ लेते हैं, काफ़ी सारे मिल जाएंगे हमें सारे फार्म। अपना ये सबसे पहला फार्म था फूड का जो अभी तक बढ़िया वर्क कर रहा है मेरे हिसाब से, तो सबसे बढ़िया फार्म यही है मेरे लिए तो अभी तक। तो भैया फिर हम कैरेट्स को उगा भी देते हैं जल्दी से। तो कैरेट हमने उगा दी है और यहाँ से भी अपने लिए फ्रूट मतलब कि कैरेट ले लिया है। अब हम चलते हैं, हम सो के आ चुके हैं क्योंकि भाई रात हो गई थी, हम सो के आ चुके हैं। अब पहले इन जॉम्बीज को मारते हैं, मेरे शवल में मेंडिंग भी लग रही है, उसकी हेल्थ भी बढ़ जाएगी मेरी शवल की। तो इन सबको मारते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं विलेज की तरफ, थोड़ा सा खाना भी खा लेते हैं यार। ये अपना बैम्बू फार्म सही है एकदम, इधर का नहीं जाएंगे, इधर के चलते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं जाएंगे। ये उधर अभी कुछ काम चल रहा है इसलिए हम उधर का नहीं जा रहे हैं। आप विलेज भी, हम विलेज के पास आ चुके हैं, अपना विलेज दूर से चमकने लग जाता है भाई। अब देखो हमने पिछली वीडियो में इसको मॉडिफाई किया था एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा था वैसे तो उस वाले घर में हम थोड़ा इंटीरियर का वो करते, लेकिन इस वीडियो में मैंने सोचा नई साल है कुछ बढ़िया करते हैं। तो सबसे पहले इधर भी देखते हैं यार, यहाँ फूड नहीं, यहाँ फूड उगाएंगे बाद में, उगाएंगे पहले ट्रेडिंग कर लेते हैं इन विलेजर्स से ढूंढ ढूंढ के। ये भैया जी आप क्या दे रहे हो, ये तो आलू सिर्फ दे रहे हैं 26 आलू, भैया आप बहुत महंगे हो रहे, रेट भी इतने महंगे असली में नहीं जितने ट्रेडर्स कर रहे हैं। अब तो इसके पेस चलते हैं, वो कहाँ भग रहा है यार, ये भागते चले जाते हैं जब काम रहता है ना, जब भागते हैं ना, वैसे हमारे ऊपर मंडरास रहते हैं ये। और इससे भी बीट रूट की हम कर लेते हैं ट्रेडिंग। तो मैंने भैया जी सबसे ट्रेडिंग कर ली है और अब हम इधर कैरेट्स उगा देते हैं। यार कैरेट वाला कोई फार्मर नहीं मिला मेरे को यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ जो मेरा जो फार्म है ना उसी में ट्रेडिंग कर लूँगा मैं बाद में। अब बीट रूट ऐसे तो उगती नहीं है, कैरेट उगानी पड़ेगी, देखो सारी कैरेट पड़ी हैं। अब 50 ml मेरे पास हो गए इतनी ट्रेडिंग के बाद भी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ले आया हूँ यहाँ पे थोड़ा से ब्रिक्स ही ले आया हूँ, ब्रिक्स ही मतलब इससे मैं बनाऊँगा एक खम्भा सा बनाऊँगा जो इसके ऊपर हम लगाएंगे लैंप, मतलब जैसे रोड्स पे होते हैं ना लाइट्स लगी रहती हैं इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ देखो ऐसा। तो ऐसा ही हम पूरे इसमें करेंगे, पहले गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में पे काम करते हैं, 7 ब्लॉक छोड़ गए। इसके ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या, नहीं। चलो मैंने सब कर लिया है पूरे उसमें, और मैं बैनर्स ले आया हूँ थोड़े से डिज़ाइन करके। देखो विलेजर्स ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, मैंने इन्हें थोड़ा सा एक आध स्टैक पहले भी दे दिए थे इसलिए, तो जब मैं इनसे ट्रेडिंग कर रहा था जब, तो अब हम बैनर्स लगाते हैं जगह जगह। अब मेरे पास ज़्यादा नहीं है तो एक यहाँ लगा देते हैं, तो हम जगह जगह लगा देते हैं इनको। देखो भाई कितने विलेजर जोड़ रहे हैं, एक तो यहाँ लगा देते हैं
और एक मैं सोच रहा हूँ इस तरफ लगा देते हैं। देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ ये लैंप लैंप। तो अब इधर और लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, मतलब कि भाई एकदम बढ़िया से लुक लग रही है। अब हमारे विलेज में अंधेरा नहीं रहेगा, ये एक बढ़िया भी चीज़ होगी, थोड़ा लुक भी अच्छा सा लग रहा है। अब इस एक बैनर को कहाँ लगाएं, देखते हैं यार, देखते हैं इस तरफ और लगाते हैं एक बैनर, वो यहाँ भी रास्ता बना हुआ है, तो इधर इसे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ ठीक लग रहा है। और नीचे और देखते हैं कहाँ लगाएं इस बैनर को। अब एक बैनर बच गया हमारे पास, तो इस एक बैनर को ज़रा क्या करें, यहाँ लगा देते हैं। हाँ यहाँ सही लग रहा है। तो भाई देखो रात में क्या बढ़िया लुक लग रहा है, लैंप से उजाला एकदम बढ़िया सा, मतलब कि एकदम ओपी लुक। और अंधेरा हो गया, मैं भी सोना चाहिए यार चल के, ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे। देखो एक बार आप लुक देखो, जो गेट लगा लेते हैं पहले, ये तो बहुत चल रही थी। एक भाई एक बेड पर कितने सो रहे हैं, दो तीन चार, भाई चार लोग सो रहे हैं एक बेड पे। भाई बेड लगाने पड़ेगा, बेड लगाना पड़ेगा हमें ला के। तो ये छोटा शिप का बच्चा और ये क्रीपर तेरी ऐसी तैसी, मैं कह रहा था ना यहाँ ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे ज़्यादा देर, तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे भाई के पास बो है, जब से बो आई है ना मेरे पास भाई दूर से ही मार देते हैं, नहीं तो मेरे को मार देते थे। अब देखते हैं और कोई तो नहीं आसपास ज़ॉम्बी, वो रही मकड़ी इसको भी मारते हैं। ओ तेरे भाई बो ही टूट गई तुम्हारे भाई की, एक क्रीपर इधर भी है यार, ये इधर ही आ रहा है, दूर चलो यार, मेरे पास वो भी नहीं है, मैं तलवार से भी मारूंगा मैं, मेरे धैर्य भी फट भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेड्स ले आया हूँ, अब हम बेड्स लगाते हैं यहाँ पे, इसमें भी लगा देते हैं यार, इस स्टेयर को यार तोड़ देते हैं, इसका क्या हम बेड लगा देते हैं, कभी बाद में देखेंगे इसे बड़ा करेंगे इनके घर को। देखो विलेजर अच्छे खासे, एक तो ब्रीड करवाऊंगा तो वो विलेजर्स ब्रीड कर पाएंगे, अगर बेड नहीं होते हैं ना भाई ब्रीड्स नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे तारे चमकने लगे थे हरे हरे से, मतलब कि ये किसी विलेजर ने इक्विप कर लिया ये बेड जो यहीं रहता हुआ। तो अब हर घर में जाके हम एक एक बेड लगा देते हैं, एक्स्ट्रा जितनी जगह होगी उसमें उतनी, एक बाहर भी लगा देते हैं यार। अब मैं 15-16 बेड लगाऊंगा और बाद में जरूरत पड़ेगी, मतलब जरूरत तो पड़ेगी अगर खाली, जहाँ जहाँ खाली रह जाएगी ना जगह वहाँ और बेड लगा दूंगा, यहाँ तो एक भी बेड नहीं है, इधर ठीक ठाक बेड आ जाएंगे दो, इधर दो ऐसे लगा देता हूँ टेढ़े। हाँ बेड्स को और ले लेते हैं हाथ में हम, इधर चार बेड काफ़ी है मेरे हिसाब से तो, और बाद में देख लेंगे, अभी और जगह भी है बसे, मतलब और घर भी है उनमें भी लगाना है हमें। तो इस छोटे से घर में चलते हैं पहले, इसमें भी एक ही बेड है, एक और क्योंकि इनमें जगह है थोड़ी थोड़ी, देर में लगा ही देते हैं और क्या। एक और इसमें एक और लग जाए, इसमें बेड ही नहीं था, चेस्ट में भी कुछ नहीं है खास, चलो एक बेड का स्टैक रख देते हैं इनके लिए। और पहले हाथ में फिर से बेड ले लेते हैं और इसे यहाँ लगा दिया, ये इसमें भी एक लगा देते हैं। अब इस वाले घर में चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है, एक बेड यहाँ लग रहा है, इसमें एक यहाँ भी लग रहा है भाई ऑलरेडी, और ऊपर भी बेड, भाई चार बेड तो इसमें ऑलरेडी हैं। ओ बेड तो यार ख़त्म हो गए मेरे, मुझे लगे बाद में आगे ला के लगा देंगे भाई बेड्स को हम, एक बेड रह गया, चलो कोई दिक्कत नहीं उसे हम बाद में लगा देंगे, और बेड भी लाएंगे ना क्योंकि उसमें जगह है अभी। अब हम पहले इनको आधे आधी मतलब ब्रेड के स्टैक दे देते हैं, देखो वो ब्रीडिंग भी करने लग गए थे, एक स्टैक में से आधे आधे कर देते हैं और इन विलेजर्स को देते हैं, काफ़ी सारे विलेजर्स हो जाएंगे यहाँ, इसको भी दे देते हैं और इसने भी ले ली, और इस भाई को भी दे देते हैं, इसने भी एक्विप कर ली, सबको दे देते हैं। रुक जा भाई रुक जा, ये तो भाग गया, ठीक है यार भाग गया, इसके पीछे जाना पड़ेगा हमें भाग के। और भाइयों सभी को मतलब कि सर्दी में थोड़ा बच के रहना, ठंड ऐसे ही पड़ रही है, जब थोड़ी कड़क सी पड़ रही है इसलिए। तो यार हाँ ले लिया इसने, तो अब ब्रेड ले लिए, और ब्रेड मैंने लगभग सबको खिला दी, मैं भी खुद खाना खा लेता हूँ थक गया। तो वही जी मैंने सबको लगभग सारा काम हमने कर लिया है, हमने हैप्पी न्यू ईयर के गिफ्ट दे दिए हैं अपने विलेजर्स भाइयों को, अपना विलेज थोड़ा सा बढ़िया सा कर दिया सुंदर सा। तो आपको कैसा लग रहा हूँ मैं आज इस वाले लुक में, मतलब पीछे से बैक की वो दिखा रहा हूँ, मैंने एक शॉट भी डाली थी जिसमें मैं बैक उसमें वर्क कर रहा था, वो आपने प्यार दिया बहुत अच्छी बात, थैंक यू भाइयों। तो पीछे से आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताना। तो आज हैप्पी न्यू ईयर, तो आप सभी मिठाई विठाई खाना, हम भी मिठाई विठाई खाएंगे, हमारे यहाँ तो गाजर का हलवा बन रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू, बाय बाय एंड जय श्री राम।